हमें कंप्लेन नहीं आता, वॉशिंग मशीन है इसमें हम जब कपड़ा डालते हैं, लोड होता है, चालू करते हैं तो ये रुक जाता है, चलता नहीं है और घबराहट का आवाज़ आता है। मशीन के साथ ये चालू है, हम इसको पकड़ रहे हैं, रुक जा रहा है गियर का और नीचे मोटर चल रहा है, आवाज़ आ रहा है, आप देख सकते रहेंगे। इसी तरह से हम लोड जब डालेंगे, कपड़ा डालेंगे, ये चलेगा नहीं, रुक जाएगा। आप देख सकते हैं इसे पकड़ रहे हैं, लोड नहीं ले रहा है, ये रुक जा रहा है। अगर इस तरह से हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, रिपेयर करके जानने देखने वाले हैं प्रैक्टिकली में। नीचे हम देख सकते रहे कि इसका कई बार बेल्ट स्लिप हो सकता रहेगा, बेल्ट अगर स्लिप है तो भी प्रॉब्लम हो सकता रहेगा। तो हम यहाँ से नीचे से बेल्ट देख लेते हैं, बेल्ट इसका कि क्या कंडीशन है। तो बेल्ट इसका टाइट है, देख सकते रहेंगे सही चल रहा है, यहाँ से बेल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आप आवाज़ भी सुन सकते रहेंगे, चल रहा है, घबराहट का आवाज़ आ रहा है। ये आवाज़ जो रहे मैकेनिकल सिस्टम है, मैकेनिकल इसमें क्या है, जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स के अंदर जो गियर रहते हैं वो ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिसके वजह से ये इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वीडियो में हम इसे गियर बॉक्स से चेंज करेंगे, लाइव में आपको दिखाएंगे। हमने पीछे से कवर खोल लिया है, आप देख सकते हैं घुमा रहे हैं, ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, इसके अंदर कुछ थोड़ा सा लोड नहीं ले रहा है। तो हमने पीछे का कवर खोल लिया है, कवर खोलने के बाद इसके अंदर स्क्रू रहता है, स्क्रू खोल करके बेल्ट का जो कैप है पुल्ली टाइप से, इसे हम बाहर खोल लेंगे, जिससे खोलने में आसानी रहेगा निकालने में। और उसके पहले जो यहाँ पर सामने जो पैनल रहता है इसके अंदर स्क्रू रहता है, स्क्रू को हम यहाँ से खोल करके बाहर ले लेंगे, जिससे ऊपर का जो टब है जो राउंड कर घुमाता है, वॉश करता है, इसे हमें बाहर निकाल लेंगे, तो पीछे से गियर बॉक्स निकलेगा, चेंज होगा। तो इसमें आपको मॉडल अलग अलग टाइप हो सकते रहेंगे, कंपनी के अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड हो सकता रहेगा, किस तरह से खोलना है करना है वो अपने तरीके से आप अपने आइडिया से इसे यूज कर सकते रहेंगे, खोल सकते रहेंगे। बट सभी वॉशिंग मशीन में नियर बाई कुछ सेम टू सेम इस तरह से ही देखने को मिलेगा, मॉडल में कोई सा भी मॉडल हो, इसमें स्क्रू रहेगा नीचे सामने साइड में, ऊपर से इसे आप बस मॉडल थोड़ा चेंज हो सकता रहेगा, डिफरेंस हो सकता रहेगा, वो देख करके अपने हिसाब से इसे खोलें, खोल करके बाहर निकालें। कई बार होता क्या है, पुराना हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुराना रहता है, उसके अंदर जंग पकड़ लेता है, डस्ट वगैरह पकड़ लेता है, खुलता नहीं है स्क्रू, तो उसके लिए ताकत लगाना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता रहेगा, कई बार इसे टूट तोड़ना ही पड़ जाता है, ऐसा कंडीशन भी आता है, स्क्रू नहीं ओपन होता है तो तोड़ के टोटली हमें नया चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ से हमने खोल लिया है, देख सकते रहेंगे, मैं भी पहले से रिपेयर किया रहेगा किसी ने, इसके आसानी से खुल गया है। खुलने के बाद नीचे देख सकते रहेंगे पूरा कचरा जमा हुआ है, कई बार जो है चलता नहीं है, जाम हो जाता है, इसका रीज़न यहाँ से भी होता है, जाम हो जाए, कचरा आ गया तो, पर इसमें नहीं था। अभी हमने अंदर से कवर खोल लिया था, पीछे से स्क्रू भी नट लूज करके पुली जो है इसे हमने निकाल लिया है, आप देख सकते रहेंगे पुली है, इसे हमने निकाल लिया है, इसके स्क्वायर में है, ये चीज़ ध्यान रखें, नहीं तो राउंड रहेगा तो स्लिप होकर घूम जाएगा। अभी हम गियर बॉक्स को निकालने के लिए, इसके अंदर स्क्रू लगा हुआ है, 6 स्क्रू लगा हुआ है या 4 स्क्रू लग सकता रहेगा, किसी किसी मॉडल के ऊपर डिपेंड रहेगा। स्क्रू हमने खोल लिया क्योंकि एक चीज़ हम आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहे हैं एग्जांपल के लिए, इसे खींच करके हमने निकाला, ये निकल गया, हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, चीज़ हम स्क्रू कहाँ है ऐसा है उसे खोल कर दिखाएंगे तो आपको बस टाइम वेस्ट लगेगा, वेस्ट होगा। यहाँ देख सकते हैं गियर पूरा फ्री तो इसे ईजिली नहीं हो रहा है क्योंकि गियर है इसके अंदर है, पर लोड पर स्लिप हो रहा है, ये ख़राब गियर बॉक्स है, तो ख़राब है, हमारे पास दूसरा है नया, इसे हम चेंज करेंगे। ख़राब वाला देख सकते रहेंगे ये है, और नया वाइट कलर का हमारा दूसरा पड़ा हुआ है। इसके अंदर क्या है, गियर बॉक्स नीचे अंदर आता है वो ख़राब, पूरा सेट ही चेंज करते हैं, मार्केट में आपको इस तरह से कम्प्लीट सेट मिलेगा, इसलिए बेटर रहता है। और इसे हम देखा एक जगह पर जिसे निकाला था उसी तरह से हम लगाएंगे, एक चीज़ केयर करेंगे, इसके अंदर जो वाशर रहता है रबर वाशर सील वो परफेक्टली रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो लूज हो जाएगा, वाटर लीक करेगा। इसके अंदर स्क्रू भी जो था वही हमने टाइट कर लिया है, टाइट करने को तो आपको मालूम रहेगा, इस तरह से एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, अपने तरीके से हमने कहा उसे एडजस्ट कर सकते रहेंगे। उसके बाद इसका स्क्रू जो इसके अंदर वाशर लगाएंगे, वाशर लगा करके ये जो सील इसका नाम हमें नहीं याद आ रहा है, ठीक है, पल्सेटर कहा जाता है या फिर और अलग नाम और बहुत से लोग देते हैं, इसमें हम लगा लेते हैं और लगा करके इसे स्क्रू टाइट करेंगे, टाइट करके वापस हम रेडी चालू करके दिखाएंगे सक्सेसफुल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अंदर जो लॉक रहता है स्क्वायर में वो चीज़ प्रॉपर देख करके लगाएं, सेम टू सेम रहना चाहिए, मैच होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये मैच नहीं रहेगा तो टाइट नहीं होगा और लूज जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और भी एक्स्ट्रा टाइप हो सकते रहेंगे मॉडल कंपनी के, और LG हो गया, पॉश हो गया, वर्लपूल हो गया, बहुत सी कंपनी के अभी आ रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम में हम सभी कंपनी के
पार्ट्स रिपेयर करने के बारे में जाने देखने सीखने वाले हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंस स्पेयर पार्ट्स के बारे में या कोई सा भी टूल्स खरीदना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप विजिट करके आप बाई कर सकते रहेंगे। अगर गेयर बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो उसका भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप विजिट करके आप बाई कर सकते रहेंगे। बहुत सी कंपनी का ऑफर चल रहा है। जैसे हमने पूरा टोटल सेट कर दिया, सब कुछ रेडी कर दिया है, अभी हमने चालू किया है, आपसे देख सकते आवाज़ नहीं है, साइलेंट है। और यहाँ पर अभी हम हाथ से टच करके देखते हैं रुकता है क्या, तो आप देख सकते रहेंगे ये तो अभी टाइमर्स पे रुक गया है, हमने नहीं रोका है। अभी देख सकते रहेंगे फिर रुक नहीं रहा है, आवाज़ भी देख सकते रहेंगे कितना तक लगा रहे, रुक नहीं रहा है। ये सही माना जाएगा, ये सक्सेसफुल वर्कर है। पहले क्या था, चल रहा था, हम इसमें हाथ लगा रहे थे, रुक जा रहा था और नीचे घुर की आवाज़ आ रहा था, अभी नहीं रुक रहा है, सही वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा। अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ कर रहा है, स्लिप हो रहा है, लोड नहीं लेता है, कपड़ा नहीं धोता है, तो टाइमिंग ख़राब हो सकता रहेगा। नेक्स्ट टाइम में जानने वाले हैं मोटर रिपेयर करने के बारे में, मोटर चेंज करने के बारे में, कैसे चेक करेंगे सही है ख़राब है। इसके बार होता है इसका वायरिंग कनेक्शन डायरेक्शन चेंज हो जाता है, कलर कोड चेंज हो जाता है, तो कैसे हम ठीक करेंगे रिपेयर करेंगे, सब कुछ वन बाई वन जानने सीखने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जानना सीखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है, ऑल नोटिफिकेशन आता है, उसे ऑन जरूर करें। ये वीडियो आप नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं। इस तरह से हम अप्लायंस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक के बारे में, या फिर इस तरह मैकेनिकल के बारे में, सी फ्रिज वाशिंग मशीन के बारे में जानना देखना सीखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आप सोशल मीडिया, फेसबुक ग्रुप और भी लोग शेयर करें, जिससे और लोग भी जान सके, देख सके, सीख सकें। तो आशा करता हूँ आपको जरूर इन्फॉर्मेशन मिला, तो वीडियो का फीडबैक दीजिए, क्या मिला क्या नहीं मिला, आगे क्या चीज़ के बारे में जानना चाहेंगे। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।